अभी हम जा रहे हैं माइंड मार्ट, क्योंकि मुझे ना शेल्टर बॉक्स खरीदने हैं। मेरे पास है वैसे बहुत शेल्टर बॉक्स, लेकिन उसमें ना सामान भरा हुआ है, और फिर इधर से उधर सामान लेके जाओ, उसको खाली करो, फिर दूसरा सामान रखो। तो मैंने सोचा कि थोड़े से ना मैं खरीद ही लेती हूँ फ्रैक से। तो हम चलते हैं माइंड मार्ट। तो हम पहुंच चुके हैं माइंड मार्ट और वेट कर रहे हैं फ्रैक का। उसे मैंने बुलाया है, मैं पहले भी आई थी इधर शेल्टर बॉक्स खरीदने, लेकिन ट्रैक था नहीं इधर, ऑनलाइन में नहीं था। और उसके पास डील है कि एक स्ट्रैक डायमंड का सामान खरीदते हैं तो वो देगा हमें एक ट्राइडेंट। तो मैंने सोचा कि वो होगा ना, जब भी खरीदूँ तो ट्रैक तो मैं याद है ना, तुमने डील किया था मुझसे कुछ क्या शेल्टर बॉक्स का, क्या फ्री वाला, दो क्या के फ्री साथ एक वाला? फ्री। हाँ क्या था? मैंने कहा नहीं था, दो के साथ एक फ्री दूंगा, ज्यादा लोगे तो। तो ठीक है, दो के साथ एक फ्री। हाँ मुझे चाहिए, मुझे 65 के दे दो, एक फ्री के साथ मिला मिला के। तो अच्छा, मैथ्स पे करना पड़ेगा। रुको रुको, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। फ्रैक को ना मैंने बुद्धू बनाया है। हमने डील किया था कि वो मुझे ना 5 शेल्कर के साथ एक शेल्कर कि फ्री तुमको देगा, फिर मतलब 10 10 लूंगी तो 12 मिलते मुझे। लेकिन मैंने उसे कहा कि तुमने कहा है दो के साथ एक फ्री, उसे याद भी नहीं है तो वो दे रहा है मुझे। हो गया कैलकुलेट। 1 eternity later कल मिला के 21 शेल्कर बॉक्स ये लो। और वो ट्राइडेंट, पैसे कौन देगा? पैसे ट्राइडेंट कौन देगा? हाँ वो भी दे रही हूँ, दो ट्राइडेंट तो दो, एक डाय मैंने ये 65 दे रही ना, एक भी तो देना पड़ेगा। ट्राइडेंट एन्चेंटमेंट तो लगा दो इस पे। हेलो नहीं, बस ऐसे ही मिलता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजन प्लेस। और आज मैं काम कर रही हूँ अपने, जो मैंने लास्ट टाइम बिल्ड किया था पांडा, तो उस पार्क को मैं कंप्लीट कर रही हूँ अभी। इधर के लिए मैंने सोचा है कि इस पानी में मैं रखने वाली ऑक्सलोटस को, और यहाँ पे पांडा, साथ में पैरेट, और मैं थोड़ी सी वो भी रखूंगी, एक्सलोटल है या ऑक्सलोटल कौन सा है, उन दोनों को रखूंगी इधर। और ये जो ये वाला पाँव है इसका, इधर से मैं बाउंड्री बनाना शुरू करूंगी, और थोड़ा एरिया यहाँ से लूंगी जिसमें पांडा रहेंगे, फिर उसे वहां से आके ज्वाइन कर दूंगी। और फिर इधर से जो एरिया है ना, मैंने ये सारा ना दो दो ब्लॉक इसका हाइट कर दिया है, देखो, तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और इधर मैं अभी लगाऊंगी अलग ब्लॉक्स लगाऊंगी, वैसे ही बनाया मैंने अभी, मतलब बस उधर से मैंने हटा दी है मिट्टी। लेकिन इस वाले एरिया में मैं कुछ नहीं करूंगी, इधर से कहीं भी चढ़ने की जगह नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने दो ब्लॉक्स कर दिया है हाइट, जैसे इधर तो वो चढ़ तो पाएंगे ही नहीं कभी, तो उस वाली साइड में कुछ नहीं करूंगी। लेकिन जो ऊपर की साइड है ना, उधर मैं एक पेड़ वगैरह लगाऊंगी, उधर नेचुरल रुख देना चाहती हूँ, जंगल टाइप ही। तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी कुछ डिसाइड नहीं किया इधर ब्लॉक्स, वैसे मैं स्टोन्स बोल रहा था फ्रैक से, मैं ओपिनियन ले रही थी कि मैं कौन सा ब्लॉक्स इधर यूज़ करूँ इधर बाउंड्री बनाने के लिए, तो वो बोला स्टोन्स लगा दो आप। लेकिन ना मैं थोड़ा अलग करना चाहती हूँ, स्टोन्स नहीं करना चाहती। तो अभी मैं ना वैसे जंगल वुड्स ट्राई करके देखूंगी, तो जंगल वुड्स लेने चलते हैं। तो मैं काफ़ी सारा वुड ग्राइंड करके ले आई हूँ, अब देखो लीव्स भी ले आई हूँ, सैपलिंग्स भी। कम पड़ा तो मैं और ले आऊंगी, अभी के लिए इतना काफी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बाउंड्री के लिए। अभी मैं ये सिंपल इनको लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो सही है, नहीं तो मैं कुछ चेंजेस कर दूंगी। तो मैंने बाउंड्रीज बनाई है थोड़ी सी ना, कुछ अच्छी नहीं लग रही है अभी, मैं इसमें चेंजेस करूंगी। लेकिन अंदर से लुक सही लग रहा है, बाहर से सही नहीं लग रही है। तो मैं सोचू इनको ना हटा हटा के ना यहाँ पे भी ना प्लैंक्स लगाऊँ, तो फिर वो शायद सही लगेगा। तो मैंने अपने पांडा पार्क की बाउंड्रीज तो बना ली है, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने इसके लिए ये एरिया डिसाइड किया है कि इधर ये पांडा घूम सकते हैं, देन जो ये इसमें जो ये पोल है उसमें मैं अपने एक्सलोटल्स को डालूंगी। बट ये बाउंड्री ना मुझे थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है, वो वाला तो मुझे लुक अच्छा लग रहा है जो हमने ये जंगल जंगल लोक से लगाया है, बट ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको शायद मैं चेंज करूंगी।
देखती हूँ कुछ और आइडिया आता है तो मुझे, अभी उससे पहले मैं करने वाली हूँ कुछ और बनाने वाली हूँ, तो वो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो आप सबने देख ही लिया कि मैंने क्या बनाया है, मैंने एक एक्सेल नोटल बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। तो ये उसका फाइनल लुक है, आप सब मुझे बताना ये कैसा लग रहा है। मैं आपको एक बार ये उड़ के भी दिखाई देती हूँ, शायद इधर मैं मल्टीपल्स ऐड करूँ, मतलब अलग अलग कलर का शायद एक और ऐड करूँ मुझे। अभी तो मैंने वैसे एक ही बनाया है, और उससे पहले मुझे यहाँ इस पार्क में मैं रखूँगी पैरेट्स को, पांडा को और एक्सलोटल्स को। तो मैं इधर सोच रही हूँ पैरेट्स भी बनाऊँ, तो उसके बाद देखूँगी कि एरिया कितना बचता है, उस हिसाब से मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कैसा लगा, देन किसी के पास और आइडियाज़ हो तो वो भी मुझे दे सकते हो, या फिर आप कुछ बनाया हो आपने कोई मॉडल, तो अगर वो चाहते हो मैं इधर बनाऊँ माइनपुर में, तो आप मुझे वो भी भेज सकते हो। वो अभी वैसे तो इसमें बहुत कम बाकी है, मैंने कहा था मैं इसे जल्दी करूँगी, लेकिन ना मैं बाकी चीज़ों में लग गई, देन इवेंट भी हमने कराया था जो सब्सक्राइबर इवेंट, और तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, बट हो जाएगा ये भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, आपको कैसा लगा एक्सलोटल का बिल्ड तो वो बताना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को, मुझे 1K जल्दी से करा दो, ताकि मेरा कम्युनिटी पोस्ट कम से कम खुले, क्योंकि जो मैं सब्सक्राइबर इवेंट कराया लास्ट टाइम, तो मैं उसका नोटिफिकेशन भी नहीं डाल पाई अपने इधर यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा कम्युनिटी पोस्ट था ही नहीं, तो मुझे फ्रैग से ही हेल्प लेना पड़ा उसमें भी, मतलब फ्रैग ने भी, हम दोनों ने मिलकर ही किया था, तो फ्रैग सिर्फ फ्रैग ही उसको कर पाया कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट। फ्रैग और मैंने बहुत सारे इवेंट्स सोचे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आप जल्दी से मेरे 1K कराओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सब तक के लिए बाय बाय।